आज के समय में जरूरत है उन करोड़ों लोगों को जो फार्मास्यूटिकल दवाइयों के जाल में फंसे हुए हैं, डिजीज फ्री लाइफ की, रोग मुक्त जीवन। अगर कुछ वर्ष पहले हम इसके बारे में बात करते तो रोग मुक्त जीवन के बारे में सोचना तकरीबन असंभव लगता था, लेकिन आज के समय में ये संभव है। ये संभव है सिर्फ और सिर्फ आरसीएम परिवार के हाथों ही ये सपना सच हो सकता है। आप सबके हाथों में ये शक्ति है कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों मित्रों को रोग मुक्त जीवन दे पाएं। मेरा मानना है कि ये एक भगवान का वरदान है आरसीएम को। इसी सोच के साथ, इसी विजन के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। इसी विजन के साथ गामा ओरिजिनल, एपी ऑर्गेनिक्स, आरसीएम, सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा कि हमें करोड़ों लोगों को रोग मुक्त जीवन देना है। यही विजन है गामा ओरिजिनल का, यही विजन आपको रखना होगा। कि माननीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का कहना मुझे याद आ गया, उनका कहना है, वो ये मानते हैं कि जहां गामा ओरिजिनॉल आपको धन देता है, वहीं पर गामा ओरिजिनॉल आपके जीवन को धन्य भी कर देता है। यानी कि जब आप अपने हाथों से दिए हुए गामा ओरिजिनॉल की बोतल को किसी को देंगे और उस जन की बीमारी में कटौती होगी, उसकी दवाइयों में कटौती होगी, तो वो जन या उसका परिवार आपको कितनी शुभा शीशें देंगे। उन्हीं आशीषों का जो प्रॉफिट हम बोलते हैं, वो हमारे आगे कब आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल को घर घर पहुंचाना सिर्फ कारोबार ही नहीं, हमारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है हमारा कि गामा ओरिजिनॉल घर घर पहुंचना चाहिए। इससे पहले हमें जानना होगा कि गामा ओरिजिनॉल आ कहाँ से रहा है, कैसे बनता है। भूरे चावल की भूरी परत में से सफेद रंग का आइसोलेटेड फॉर्म में पाउडर निकाला जाता है। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब है बिना किसी मिलावट के, जो बिल्कुल शुद्ध प्रकृति की देन सफेद रंग का पाउडर गामा ओरिजिनॉल है, वो डायरेक्ट जब हम कैप्सूल में डालते हैं तो वो प्रकृति की ऐसी नायाब देन हमारी गोद में आ जाती है कि मेरा ये मानना है कि जिसकी अगर हम प्रॉपर्टीज को गिनने लग जाएं तो समय कम पड़ जाएगा। इसके ये जो गामा ओरिजिनॉल है, इसको न्यूट्रास्यूटिकल का नाम दिया गया है। न्यूट्रास्यूटिकल को किसी अन्य न्यूट्रिशन सप्लीमेंट या फार्मास्यूटिकल दवाई से बिल्कुल भिन्न जानना है। जरूरी है कि हम न्यूट्रास्यूटिकल शब्द को बेहतर तरीके से समझें। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला न्यूट्रिशन, दूसरा फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन का अर्थ है ऐसा तत्व जो हमारे शरीर को पोषण दे, हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, पोषण दे। और फार्मास्यूटिकल का अर्थ है ऐसा तत्व जो हमारे शरीर में बीमारी की रोकथाम करे। तो जब ये दोनों प्रॉपर्टीज किसी एक चीज में आ जाएंगी तो वो बन जाएगा न्यूट्रास्यूटिकल। बहुत ज्यादा खास बात है न्यूट्रास्यूटिकल होने में। दुनिया में बहुत चंद चीजें ऐसी हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल है। इस न्यूट्रास्यूटिकल को किसी भी आम एंटीऑक्सीडेंट के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना। यूं तो प्रकृति से हमें हल्दी, तुलसी, नीम सब कुछ मिलता है, लेकिन गामा ओरिजिनॉल ने अपनी जगह इन सबसे ऊपर बना रखी है। क्योंकि गामा ओरिजिनॉल का मानव शरीर पर, ह्यूमन बॉडी पर करोड़ों रिजल्ट्स आ चुके, करोड़ों लोगों को हम प्रूव कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों में ये चर्चा चल पड़ी है कि गामा ओरिजिनॉल का हमारे शरीर के ऊपर सबसे बेहतर प्रभाव है। इसके अलावा अगर आप गामा ओरिजिनॉल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.orignol.in पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं।
हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि देश और दुनिया में जितनी भी प्रेस रिलीजेज हैं, आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, नई स्टडीज हैं, उन सब को संजोकर हम अपनी वेबसाइट में रख सकें, ताकि आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाकर देश और दुनिया की हर डिटेल मिल सके गामा ओरिजिनॉल के बारे में। इसके अलावा गामा ओरिजिनॉल का अगर आज के समय का सिनेरियो मैं आपको बताऊं, आज के समय की सिचुएशन बताऊं, तो पिछले दुनिया के 70 बड़े देश गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो 70 बड़े देश गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं वो कितने सालों से कर रहे होंगे? 1, 2, 5, 10, 15, 20, 70 सालों से गामा ओरिजिनॉल इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया में। सारी दुनिया 70 सालों से गामा ओरिजिनॉल का फायदा उठा रही है। हमारे पास ये गामा ओरिजिनॉल अब आया है। मुझे अलग अलग कंट्रीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज अलग अलग नामों और अलग अलग दावों के साथ गामा ओरिजिनॉल को बेच रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेटमेंट आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये अमेरिका की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है। अमेरिका की गवर्नमेंट ने गामा ओरिजिनॉल को एंटी अल्सर एजेंट बताया है। यही नहीं, अमेरिका की गवर्नमेंट ने गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट की भी मान्यता दी है। इसके अलावा कनाडा की गवर्नमेंट गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट कहती है। पूरी दुनिया में गामा का डंका बजा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल यूनिक इंग्रेडिएंट बताती है। खास इंग्रेडिएंट, यूनिक, जो कि हर हर चीज हर जगह उपस्थित नहीं होता, उसे यूनिक कहा जाता है, जो बहुत खास हो। इसके अलावा जापान ने गामा ओरिजिनॉल पर बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। 1962 में ही जापान सरकार ने ये घोषित कर दिया था कि गामा ओरिजिनॉल एंग्जाइटी की दवाई है। उन्होंने अपनी रिसर्च यहीं पर खत्म नहीं करी। 1986 में एक बार फिर जापान की गवर्नमेंट आगे आई और उन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोलिपिडीमिया की भी दवाई है, यानी कि हमारे शरीर के कोलेस्ट्रोल लेवल्स को बेटर बैलेंस कर सकता है। जापान ने 1986 में यह डंका बजा दिया था। आप सोच सकते हैं कि भारत कितनी पीछे रह गया है गामा ओरिजिनॉल को इस्तेमाल करने में। मुझे यकीन है कि अब तक आप सब ने गामा ओरिजिनॉल के इंटरनेशनल प्राइजेस के बारे में पता कर लिया होगा। यूएसए, कनाडा, ब्राजील, यूके, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया में गामा ओरिजिनॉल बेहद ज्यादा महंगे रेट्स पर बिक रहा है, 2800 से लेकर 5000। मेरा ये मानना है ये वही गामा ओरिजिनॉल है जो हर घर में होना चाहिए, जिसे जन जन का जन जन को सेवन करना चाहिए। इतने महंगे दामों पर बड़ी बड़ी कंपनियां इसीलिए इसे बेच रही हैं क्योंकि वो इसकी खासियत को जानती हैं। वो जानती हैं कि अगर इसका दाम महंगा भी होगा, ये तब भी बिकेगा। मुझे बहुत गर्व होता है आपको ये बताते हुए कि गामा ओरिजिनॉल अब भारत में निर्माण होने लग गया है, गामा ओरिजिनॉल का, और वो भी बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ऐसी कंपनी है जिसने हमारे देश की झोली में गामा ओरिजिनॉल डाला है। इतने कम दामों पर गामा ओरिजिनॉल बनाकर मेरा ये मानना है कि एपी ऑर्गेनिक्स ने अपना सामाजिक कर्तव्य पूरा कर दिया है। एपी ऑर्गेनिक्स दुनिया में सबसे बड़ी राइस ब्रांड तेल बनाने वाली कंपनी है। कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने अनेकों बार एपी ऑर्गेनिक्स को नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए हैं। यही नहीं, बीआरसी सर्टिफिकेट, एचएसीसीपी सर्टिफिकेट, हलाल और कोशेर जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं एपी ऑर्गेनिक्स के पास।
इसी कंपनी ने हमें एक ऐसा प्रोडक्ट दिया है जो सर से लेकर पैरों तक हमें फायदा ही फायदा करता है। आइए इन बीमारियों को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार गामा और रेटिनॉल इन बीमारियों के ऊपर कार्य करता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट डिजीज की। भारत में करोड़ों लोग हार्ट डिजीज से परेशान हैं। शायद हमारा खान पान और रहन सहन ही ऐसा हो गया है कि बहुत कम उम्र में कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होने लग जाती है, जिसके चलते हमें हार्ट की कोई ना कोई दिक्कत आने लग जाती है। भारत के हर एक दिल की रक्षा कर सकता है गामा और रेटिनॉल। कौन कह रहा है ये? हम नहीं कह रहे, ना ही आपने कहना है। ये तो ऑलरेडी कह रहे हैं दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर। वो हर एक रिसर्च पेपर, हर एक स्टडीज जो दावे के साथ कहती है कि गामा और रेटिनॉल मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नेचुरल तरीके से बैलेंस करता है। यही नहीं, अमेरिका ने इसी के चलते गामा और रेटिनॉल को हाइपोलिपिडीमिक एजेंट बताया है, यानी कि एक ऐसा एजेंट जो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नेचुरली बैलेंस करे। जापान ने भी इसी तरह की मान्यता दी है गामा और रेटिनॉल को। इसी के चलते अब भारत सरकार ने भी गामा और रेटिनॉल को हाइपोलिपिडीमिक एजेंट की मान्यता दे दी है। जी हाँ, आप बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में बड़ी बड़ी डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं। आप खुद भी अगर आसपास नजर करेंगे तो आपको जरूर गामा और रेटिनॉल के बारे में कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। जो स्टेटमेंट आपके सामने मैं रख रही हूँ, ये द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की है, जिसमें डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेदांता हॉस्पिटल के, उनका कहना है कि गामा और रेटिनॉल हमारे शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। यही नहीं, डॉक्टर साहब ने ये तक कहा कि गामा और रेटिनॉल का लंबे समय तक सेवन करने से हार्ट अटैक की बीमारी को रोका जा सकता है। जी हाँ, हार्ट अटैक से बचना मुनासिब है। यही नहीं, एम्स एक इस ऐसा हॉस्पिटल है कि हम सबको उसके ऊपर विश्वास है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। वहां की सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी का कहना है कि अगर हमें अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करना है तो हमें अपने रोजाना के जो भोजन है उसमें गामा और रेटिनॉल को शामिल करना पड़ेगा। यही नहीं, डॉक्टर साहिबा ने यह भी बताया कि गामा का सेवन करने से हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि वेट लॉस होना बहुत ही नेचुरल तरीका हो जाता है कि हमारा वेट लॉस भी होने लगता है। इसके अलावा डायबिटीज में भी गामा और रेटिनॉल बेहद बढ़िया काम करता है। हमारे शरीर के ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करके रखता है गामा और रेटिनॉल। आप खुद रिसर्च कीजिए, इंटरनेट पर डालिए, गूगल पर डालिए एंटीबायोटिक एक्टिविटीज ऑफ गामा और रेटिनॉल। आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि गामा और रेटिनॉल हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। यही नहीं, अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में खबरें आ रही हैं, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ये नवभारत टाइम्स की मैं आपको खबर बता रही हूँ, जिसमें डॉक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि गामा और रेटिनॉल शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। ये डॉक्टर्स बता रहे हैं। डॉक्टर चारू दुआ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के, इकोनॉमिक टाइम्स के हेल्थ वर्ल्ड वर्जन में डॉक्टर साहिबा ने स्टेटमेंट दी है कि गामा और रेटिनॉल हमारे शरीर के बढ़े हुए शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर चारू दुआ ने भी बताया कि गामा और रेटिनॉल का सेवन करने से वजन भी कम हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि ऐसे डिसऑर्डर्स जो दिमाग की बीमारी जिसे हम बोलते हैं, दिमाग की हर एक छोटी छोटी कोशिका और सेल्स
उन सबको सपोर्ट करता है गामा ओरिजिनल। कितनी संजीदगी है, ब्रेन हमारे शरीर का सबसे अहम पार्ट है, सारे शरीर की हर प्रकार की कार्य प्रणाली ब्रेन ने चलानी है, हमारे नर्वस सिस्टम तक को सपोर्ट करता है गामा ओरिजिनल। यही नहीं, डॉक्टर प्रवीण का भी ये कहना है कि गामा ओरिजिनल खाने से जो दिमाग की बीमारियां होती हैं, पार्किंसन, मोटर न्यूरॉन डिजीज, ये बीमारियों तक की रोकथाम की जा सकती है। दिमाग की बीमारियों को भी रोकना मुनासिब है गामा ओरिजिनल के साथ। इसके अलावा ये डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट है कि डायमेंशिया, पार्किंसन और मोटर न्यूरॉन जैसी डिजीज जो कि ऑक्सीडेशन की वजह से होती हैं, उन डिजीज को भी रोका जा सकता है एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल के साथ। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी कंट्रोल कर सकता है गामा ओरिजिनल। जी हाँ, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं गामा ओरिजिनल में। हमने खुद अभी, मुझे लगता है 3-4 दिन हुए, इसी प्रकार से मीटिंग चल रही थी, एक आरसीएम परिवार के सदस्य ने आके बताया कि स्टेज 1 के कैंसर को हरा चुका है गामा ओरिजिनल। जो प्रोडक्ट कैंसर की बीमारी से इलाज कर सकता है, कैंसर की बीमारी से बचा सकता है हमें, तो मेरा ये मानना है कि उसकी प्रॉपर्टीज को गिनना या गिनने की गलती करना हम कर ही नहीं सकते। अभी तो मेरा मानना है कि जितनी डिजीजेस हमारे सामने आ गई हैं, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाहर आना बाकी है। ये आरसीएम परिवार ही ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स लेकर आएगा कि हम खुद स्टडीज और रिपोर्ट्स के जरिए ये क्लेम कर पाएंगे कि गामा ओरिजिनल से ये बीमारियां भी सही होती हैं। ये जिम्मेदारी है आरसीएम परिवार की कि अभी तो सिर्फ 8-10 कुछ बीमारियों के बारे में ही हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये आपने दिखाना है कि अभी तो और कितनी बीमारियों में ये प्रूव करना बाकी है कि गामा ओरिजिनल काम करता है। डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो भारत के सबसे वरिष्ठ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने द ट्रिब्यून में ये स्टेटमेंट दिया कि गामा ओरिजिनल का सेवन करने से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर्स पैदा नहीं होते। ये डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस एक ऐसी समस्या है जिसे हम बीमारी भी नहीं मानते। मैं आपको बता दूं, हर बड़ी बीमारी की शुरुआत गैस्ट्राइटिस से होती है। जी हाँ, आपके पेट से ही हर बड़ी बीमारी की शुरुआत होती है। गैस्ट्रिक ट्रबल्स से आराम दिला सकता है गामा ओरिजिनल, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गामा ओरिजिनल को एंटी अल्सर एजेंट बताया है, यानी कि एक ऐसा एजेंट जो हमारे शरीर में अल्सर पैदा नहीं होने देता। ये अमेरिका की गवर्नमेंट का दावा है। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनल का सेवन करने से जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं, जो गैस्ट्रिक बीमारी के लक्षण हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। यही नहीं, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन, पेट का, बड़ी आंत का, छोटी आंत का जो काम करने का तरीका है, वो पहले से बेहतर हो सकता है। शर्त क्या है कि गामा ओरिजिनल का लंबे समय तक सेवन करना है। लीवर तक को सपोर्ट करता है गामा ओरिजिनल। डॉक्टर नमिता नादर, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा की, मैं आपको बता दूं कि जितने भी डॉक्टर्स की हम स्टेटमेंट्स लेकर आए हैं आपके सामने, ये सभी डॉक्टर पूरे भारत में हम कह सकते हैं वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, चेयरमैन हैं, एक बड़े ओहदे पर बैठे हैं ये डॉक्टर्स जो गामा ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। डॉक्टर नमिता नादर का कहना है कि शराब के सेवन से हमारे लीवर में जो डैमेज होता है, उस डैमेज को सही कर सकता है गामा ओरिजिनल।
इसके अलावा थायराइड की बीमारी में तो रामबाण है गामा ओरिजिनॉल। हाइपोथायरॉयडिज्म में गामा ओरिजिनॉल प्रूव हो चुका है कि इससे बढ़िया कोई कोई दवाई नहीं है हाइपोथायरॉयडिज्म की। अखबारों में आ चुका है, मैं आपको अखबार दिखा रही हूँ हिंदी का, इंग्लिश का, हिंदी में लिखा है हाइपोथायरॉयड में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल है कारगर साबित। दो लाइंस में आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कई अध्ययनों से साबित हुआ है कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायरॉयड के इलाज में बेहद कारगर हो सकता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म बाय लुकिंग एट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गामा ओरिजिनॉल, जब हम गामा ओरिजिनॉल के काम करने के तरीके को बारीकी से देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गामा ओरिजिनॉल, वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म इज नॉट अ डिजीज फॉर लाइफ। हाइपोथायरॉयडिज्म ता उम्र की सारी जिंदगी की बीमारी अब नहीं रही। Yes, it can be cured permanently. जी हाँ, इसे permanently cure किया जा सकता है without the need of drugs. ध्यान देना है कि अखबार में आया है without the need of drugs, यानी कि किसी भी दवाई के बिना hypothyroidism को सही कर सकते हैं with the help of nature, यानी कि कुदरत की जो नायाब देन है गामा ओरिजिनॉल, उसके through hypothyroidism का हम रोकथाम कर सकते हैं, हम उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर एसपी बयोत्रा चेयरमैन है सर गंगाराम हॉस्पिटल के, बेहद सीनियर पोस्ट पर हैं। इन्होंने तो ये दावा तक कर दिया कि गामा ओरिजिनॉल को हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करना चाहिए। पोटेंशियल थेरेपेटिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, ये डॉक्टर साहब ने बताया है जो कि बेहद सीनियर पोस्ट पर है, चेयरमैन है हॉस्पिटल में। बड़े बड़े अखबारों में आ रहा है गामा ओरिजिनॉल के बारे में। इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी को ट्रीट करता है गामा ओरिजिनॉल। डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जो कि डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल से हैं, इन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से इनसोम्निया नाम की बीमारी, जो कि जिसका आपको नींद ना आना, इनसोम्निया नाम की बीमारी में भी कारगर है गामा ओरिजिनॉल। डॉक्टर साहिबा ने खुद बताया कि 2017 में एक रिसर्च हुई थी कोरिया में, जिसमें ये पाया गया कि गामा ओरिजिनॉल से बेहतर इंसोम्निया की कोई दवाई हो ही नहीं सकती। जब से भारत में गामा ओरिजिनॉल का निर्माण होने लगा है, डॉक्टर्स ने तो एक बीड़ा उठा लिया है, एक लहर चला दी सामाजिक कर्तव्य की, कि जन जन को गामा ओरिजिनॉल के बारे में बताना है। अच्छी नींद दे सकता है आपको गामा ओरिजिनॉल। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको शेयर सुनाया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, वो खुद ही को बुलंद करने के लिए आपके शरीर में क्षमता भी चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शरीर की और दिमाग की बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी नींद सोना बेहद जरूरी है। जो बीड़ा मैं दे रही हूँ आरसीएम को, जो बीड़ा हम सब ने उठा रखा है करोड़ों लोगों को रोग मुक्त करने का, उस बीड़े को पूरा करने के लिए आरसीएम के परिवार के हर मेंबर के लिए जरूरी है अच्छी नींद लेना। जब आप अच्छी नींद लेंगे, आपका शरीर और आपका दिमाग दोगुनी स्पीड से प्रोडक्टिविटी देगा। जी हाँ, आपको बेहतर आइडियाज आएंगे, आपका फोकस बना रहेगा, एक काम कर रहे हैं तो ध्यान उसमें लगा रहेगा, आपके शरीर की क्षमता तक बढ़ जाएगी अच्छी नींद लेने से। आपने खुद महसूस किया होगा जब कभी किसी दिन रात को हमें नींद नहीं आती तो अगले दिन हम कितना लेस एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं अपने आप को। सारा दिन हमें ऐसे ही लगता है कि ना सो ही रहे हैं ना जाग ही रहे हैं। तो बेहतर नींद के लिए गामा ओरिजिनॉल बेहद जरूरी है। दिमाग को रिलैक्स करने के लिए गामा ओरिजिनॉल बेहद जरूरी है। अनिद्रा और तनाव के उपचार में एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल उपयोगी। बड़े बड़े पत्रकार तक आगे आ रहे हैं गामा ओरिजिनॉल की चर्चा करने के लिए। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है गामा ओरिजिनॉल में। कौन नहीं चाहता कि आपके चेहरे से, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ना लगे।
लंबे समय तक गामा और रिजिनॉल का सेवन करें और खुद महसूस करें कि आपकी स्किन पहले से कितनी बेहतर हो गई है। अखबारों में आ गया है, धब्बों, कालेपन और झाइयों को रोकने में कारगर एंटीऑक्सीडेंट गामा और रिजिनॉल समय से पहले रोके जा सकते हैं बुढ़ापे के लक्षण। अपने चारों तरफ अगर आप देखना चाहें तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, जो चिल्ला चिल्ला कर गामा और रिजिनॉल का झंडा गाड़ रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि जिम्स में कितने बच्चे, कितने लोग पता नहीं कैसे कैसे पाउडर्स का सेवन करते हैं मसल्स बनाने के लिए। मैं आपको बता दूं, स्टडीज बताती हैं कि गामा और रिजिनॉल के लंबे सेवन से हमारी मांसपेशियां सुडोल हो सकती हैं, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो सकता है, हमारे शरीर में एक हम कहते हैं कि भरा हुआ शरीर वैसा शरीर बन सकता है जिसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हवा भर जाएगी, शक्ति भी होगी। आपको आप महसूस करेंगे गामा ओरिजिनल खाने से कि जहां आपका शरीर 8 से 10 घंटे में थकावट महसूस करने लगता था, अब वही जब आप लंबे समय तक गामा ओरिजिनल का सेवन करेंगे, आपका शरीर 10 से 12 घंटे काम करेगा, थकावट नहीं होगी। इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं गामा और रिजिनॉल में, जितनी कही जाए उतनी कम। एक स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अमेजोन का स्क्रीनशॉट लिया गया है, सोर्स नेचुरल्स नाम की कंपनी है जो कि 2,899 रुपए में गामा और रिजिनॉल का बेच रही है। ध्यान से देखिए इस बॉटल को, कंपनी का दावा है कि ये जो गामा और रिजिनॉल है डाइटरी सप्लीमेंट फॉर एथलेटिक सीरीज है। एथलेटिक सीरीज यानी कि वो सब दौड़ाक, वो खिलाड़ी, बड़े बड़े स्तर पर गेम्स खेलने वाले खिलाड़ी जो ओलंपिक्स में इतनी मेहनत करके हमारे देश के लिए मेडल्स लेकर आते हैं, उन खिलाड़ियों को एज अ डाइटरी सप्लीमेंट दिया जाता है गामा ओरिजिनल। जब उन खिलाड़ियों को ये मदद कर सकता है तो हमारे तो वारे न्यारे कर देगा। बेहद पावरफुल और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनल, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कोविड के साइड इफेक्ट से बचाता है गामा ओरिजिनॉल। डॉक्टर नेहा गुप्ता जो कि मेदांता हॉस्पिटल से हैं, उनका कहना है कि कोविड के पेशेंट्स में साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की समस्या आती है। साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की समस्या को आने नहीं देता गामा ओरिजिनॉल। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम हॉस्पिटल के, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की जो समस्या है उसकी पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। न्यूज़पेपर्स में इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। समाचार जगत की ये स्टेटमेंट है जिसमें लिखा गया है, नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी बयोत्रा का कहना है, गामा ओरिजिनॉल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो भारत में सप्लीमेंट के तौर पर उपलब्ध है। इसके इस्तेमाल से शरीर की सूजन कम करने में मदद मिलती है, और अगर गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो, यानी कि वो कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना नहीं होगा, अगर हो भी गया तो उसका साइटोकाइन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकाइन के प्रभाव को रोक देगा। आप समझ सकते हैं इसके लेवल को कि हमारा शरीर खुद इतना स्ट्रांग हो जाएगा अंदर से कि इतनी जटिल बीमारियां, इतनी संगीन बीमारियां, उनसे भी लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में खुद ही आ जाएगी। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आज के समय में हर बड़ी रिसर्च पेपर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, अखबारों में पत्रकार सब आगे आकर गामा ओरिजिनॉल की बात कर रहे हैं। आपको मैंने दिखाया, सब लोग बात कर रहे हैं गामा ओरिजिनॉल की। मुझे आप ये बताइए कि ये बात क्यों कर रहे हैं? इनके पास तो गामा ओरिजिनॉल है ही नहीं, घामा और रिजनॉल तो आरसीएम परिवार के पास है। तो मेरा ये मानना है कि इनसे ज्यादा चर्चा गामा और रिजनॉल की आरसीएम परिवार के मेंबर्स को करनी चाहिए।
जब आप सब लोग इसकी चर्चा करने लगेंगे और ये डिटेल्स जो मैंने आपको दिखाई इनकी चर्चा करेंगे, तो सामने वाले इंसान को अपने आप विश्वास होगा। गामा और रिजोनॉल की शक्तियां, मैं बार बार यही कहती हूँ कि अभी तो आधी अधूरी आगे आई हैं, अभी तो और बहुत सी आनी बाकी है। हम खुद गामा और रिजोनॉल की नई नई प्रॉपर्टीज आगे लेकर आएंगे, आप देख लेना, नोट माई वर्ड्स, कि हमें पता लगेगा कि गामा और रिजोनॉल और कितनी प्रॉब्लम में काम कर रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से हमने सारी इंफॉर्मेशन ली, मेरा ये मानना है कि गामा और रिजोनॉल हर एक बीमारी का इलाज है, वन फॉर ऑल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल, आप सब ये मानते हैं? यस जी। अब मीटिंग में उपस्थित 350 के करीब लोगों से मेरा सवाल है, या तो वीडियोस ऑन कीजिए या फिर रिएक्शन में हैंड रेज करके मुझे ईमानदारी से बताना होगा कि आप में से कौन कौन गामा और रिजोनॉल का सेवन करता है। हैंड रेज करके बताइए, वीडियो में बताइए। जी हाँ, बहुत बढ़िया। मैं 2 मिनट और देती हूँ, हैंड रेज को बढ़ने दीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब ये नंबर तेजी से आगे बढ़ता है। बहुत बढ़िया, मैं देख पा रही हूँ बहुत से लोग गामा और रिजोनॉल का सेवन करते हैं, लेकिन मीटिंग में उपस्थित लोगों के नंबर के मुकाबले जो हैंड रेज हैं, जो कि ईमानदारी से हो रहे हैं, झूठा इसमें एक भी नहीं होना चाहिए, वो मुझे कम लगता है। तो मेरा सवाल उन सब लोगों से है जो अभी तक गामा और रिजोनॉल का सेवन नहीं करते। जब इतनी प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई, जब इतनी प्रॉपर्टीज आपको बताई गई, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी, अगर हम गामा और रिजोनॉल का सेवन नहीं करेंगे तो फिर रोग मुक्त भारत का निर्माण कैसे होगा? जब आप खुद ही सेवन नहीं करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे गामा और रिजोनॉल की शक्तियों का, तो आप किसी को कैसे कन्विंस कर पाएंगे? मैं भगवान से आग्रह करती हूं कि इस मीटिंग में उपस्थित हर एक इंसान बिल्कुल फिट हो, कोई भी बीमारी उनको छूकर भी ना निकले, लेकिन अगर आपका शरीर बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिजिकली फिट भी है, तब भी आपको गामा ओरिजिनल अपनी शक्ति दिखा सकता है। आप मानते हैं? गामा ओरिजिनल का सेवन करने से बिल्कुल सही फिट शरीर में भी हल्कापन महसूस होगा, आपको पहले से ज्यादा स्फूर्ति महसूस होगी, आपके शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सबको अपने आप के, अपने दिल पर हाथ रखकर ये प्रण लेना होगा कि हमें कल से ही गामा ओरिजिनॉल का सेवन शुरू करना है। जब आप सेवन करेंगे तभी तो उसका इफेक्ट खाते खाते आएगा ना, समय लगेगा उसमें भी। तो जो लोग गामा ओरिजिनॉल का सेवन नहीं करते, उन्हें मैं बता दूं, गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बेहद आसान है। नाश्ते से पहले एक कैप्सूल लेना है पानी के साथ, उसके बाद आपने अपना नाश्ता लेना है। इसी प्रकार से रात को एक कैप्सूल लेना है पानी के साथ और आपने अपना रात का खाना खाना है। अगर किसी भी कारणवश आप ये डोज नहीं ले पाते, तो आपने दिन में किसी भी समय 2 कैप्सूल इकट्ठे पानी के साथ ले लेने हैं। गामा ओरिजिनॉल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इतने लोग हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इतनी ज्यादा, देख, हम ये कहते हैं ना कि भगवान का समुद्र है। आप देखिए कि आपने ग्लास लेकर जाना है, बाल्टी लेकर जानी है, या टब लेकर जाना है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना कुछ सीखना चाहते हैं। जैसे अभी सर ने बताया था कि लर्न में ही अर्न छुपा है, इसी कड़ी के चलते YouTube पर एक चैनल है जिसका नाम है Forever Healthy with Isha, जो कि हमारे देश की बेहद वरिष्ठ डाइटिशियन है ईशा वशिष्ठ जी, हम में से कुछ लोग उन्हें जानते भी हैं। इन्होंने बीड़ा उठा रखा है भारत को एक सेहतमंद जीवन देने का। इनके चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस आती हैं जो हमें बताती हैं कि हम अपने जीवन को सुचारू ढंग से कैसे चला सकते हैं।
छोटे छोटे टिप्स बताते हैं कि हमें अपने खान पान में किस प्रकार के चेंजेस करने चाहिए कि हम पहले से ज्यादा और फिट हो सके। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों और परिवारजनों को इस चैनल की वीडियोस दिखाएं ताकि आपके साथ साथ उनका भी जीवन धन्य हो सके। इस चैनल को मामूली चैनल बिल्कुल भी नहीं समझना। इस चैनल पर वर्कशॉप्स होती हैं जो कि भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ होती हैं। भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स खुद आगे आते हैं जो कि हमें बताते हैं कि किस प्रकार अलग अलग बीमारियों पर गामा ओरिजिनल काम करता है। पहली वर्कशॉप हमने इस साल की करी 18 जनवरी को, जो कि कोविड के ऊपर खास चर्चा की गई। भारत के टॉप मोस्ट 4 डॉक्टर्स उसमें आए जिन्होंने हमें बताया कि कोविड से किस प्रकार बचा जा सकता है और गामा ओरिजिनल किस प्रकार से कोविड से हमारी रक्षा करता है। इसी कड़ी के तहत दूसरी वर्कशॉप हुई 4 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे वाले दिन डॉक्टर राहुल भार्गवा खुद आगे आए, जो कि भारत देश के वरिष्ठ कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट। उन्होंने आगे आकर हजारों लोगों को संबोधित किया और बताया कि किस प्रकार गामा ओरिजिनल हमारे शरीर में अनेक प्रकार के कैंसर्स को बनने से पनपने से रोकता है। इसी लड़ी के तहत तीसरी वर्कशॉप हुई 15 मार्च को, जिसमें डॉक्टर रविंद्र गुप्ता आए, जिनके सर पर ताज है गुड़गांव के टॉप मोस्ट डॉक्टर होने का, नंबर 1 टॉप मोस्ट डॉक्टर होने का। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने आगे आकर हमें बताया कि किस प्रकार पेट की समस्याओं को हमेशा के लिए अलविदा किया जा सकता है और किस प्रकार गामा इसमें हमारी मदद करता है। ये तो हुई वर्कशॉप्स। इसके अलावा इस चैनल पर हर महीने की 22 तारीख को रूबरू विद ईशा वशिष्ठ का प्रोग्राम होता है, जो कि जूम के जरिए लगाया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अपनी डायरी पेन के ऊपर ये जूम आईडी और पासवर्ड नोट कर लीजिए, 8847312706। पासवर्ड है 123। आने वाली 22 तारीख जो कि कल है, रात को 8 बजे रूबरू विद ईशा वशिष्ठ का प्रोग्राम बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये जूम आईडी पर आपने ज्वाइन करना है। मैं आपको बता दूं, चैनल पर इसको मीटिंग को ज्वाइन करने से आप कुछ सीख कर ही जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ईशा जी खुद आगे आती हैं, अलग अलग टिप्स हमें बताते हैं जीवन को बेहतर तरीके से जीना कैसे चाहिए, गामा ओरिजिनल हमें कैसे मदद करता है हमारी बीमारियों से लड़ने में। इस मीटिंग में हम में से ही कुछ लोग अपने टेस्टिमोनियल्स लेकर आगे आते हैं। इस मीटिंग में जो आरसीएम के डॉक्टर्स हैं, जो कि बड़े बड़े करिश्मे कर चुके हैं गामा ओरिजिनल के साथ, वो भी आगे आकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो इस मीटिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अभी इसी समय डायरी पर नोट कर लीजिए कि गामा ओरिजिनल की रूबरू विद ईशा वशिष्ठ 22 तारीख को रात 8 बजे इस मीटिंग को हमें अटेंड करना ही करना है। आरसीएम के ही टेस्टिमोनियल्स आएंगे, आरसीएम के ही डॉक्टर्स बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने चमत्कारिक रिजल्ट्स पेश किए हैं अपने पेशेंट्स के साथ। जो कल वाली रूबरू विद ईशा वशिष्ठ जी की होने वाला प्रोग्राम है, उसमें हमारे लिए एक और बोनस है। बोनस ये है कि कल के प्रोग्राम में एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के सीईओ मिस्टर पुनीत गोयल खुद सामने आएंगे, हम सबके साथ अपने मन की बात करेंगे, हम सबके साथ अपने विचार हम सबके सामने रखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। रूबरू विद ईशा वशिष्ठ का जो प्रोग्राम कल को है, मैं एक बार फिर से आपको आईडी और पासवर्ड बता देती हूँ, 8847312706। पासवर्ड है 123। तो कल ईशा वशिष्ठ जी को और पुनीत गोयल जी को सुनने का मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसी समय कल फिर से जूम की मीटिंग अटेंड करनी है। इसी के साथ मेरा आरसीएम के ऊपर
बेहद गहरा विश्वास है। भारत की सबसे बड़ी नेटवर्किंग कंपनी है आरसीएम। मेरा ये मानना है कि गामा और रिजनॉल जब आरसीएम की झोली में आया है तो आरसीएम ही ऐसा घर है जो गामा और रिजनॉल को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकता है। सिर्फ आरसीएम में ही इतनी शक्ति है, एकजुटता है कि जो वो ठान ले उसे वो पूरा करके हटेंगे। मुझे याद आता है कि मानयोग गुरुजी, गुरुदेव हमारे बीसी छाबड़ा जी, जिन्होंने ये सपना देखा है मिशन 5 करोड़ का, वो पूरा तो हो ही जाना है क्योंकि उन्होंने अपनी जुबान से जो शब्द कह दिए वो तो कंप्लीट होंगे ही होंगे। लेकिन मजा तब